हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एस पाठशाला। माई सेल्फ पूजा, और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का ही 13th चैप्टर, दैट इज व्हाई डू वी फॉल इल का कंटिन्यूएशन टॉपिक। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया कि ऑर्गन और टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं, कैसे ऑर्गन्स में डिजीजेस जो होती हैं वो स्प्रेड आउट होती हैं, कैसे माइक्रोब्स जो हैं किस किस मीन से जब जाते हैं तो वो कैसे कहाँ कहाँ जा करके और किस किस ऑर्गन को इन्फेक्ट करते हैं। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कि हम लोग कैसे डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं या उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट फर्स्ट, ठीक है? ट्रीटमेंट, अब हम लोग ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं अगर किसी को डिजीज हो गई, ठीक है? तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, बहुत बेसिक सी बात है, इसके दो तरीके हैं। पहला तो ये हो सकता है कि हम डिजीज के इफेक्ट को रिड्यूस कर दें। डिजीज इफेक्ट कैन बी रिड्यूस्ड, है ना? और दूसरा हो सकता है कि हम डिजीज के डिजीज कॉज जो है, यानी जो जिस वजह से वो हुआ है, कैन बी एलिमिनेटेड। ओके, क्या मतलब हुआ इन दोनों टर्म्स का? डिजीज के इफेक्ट को रिड्यूस करना और डिजीज के कॉज को एलिमिनेट कर देना। इट मीन्स कि अगर हम डिजीज के इफेक्ट को रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं तो डिजीज का जो इफेक्ट होता है वो बेसिकली किस फॉर्म में आता है? सिम्टम्स, है ना? सिम्टम्स ही तो होते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे फीवर है, ये क्या है? ये एक सिम्टम है। जैसे कि हेडेक है, ये क्या है? ये एक सिम्टम है। तो ये जो डिजीज का इफेक्ट है या जो साइन है जिसके बेसिस पे हम कहते हैं, क्योंकि देर इज सम प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम तब डिटेक्ट होता है जब हम उसके टेस्ट कराते हैं। जैसे कि अगर हमें टाइफॉइड फीवर का टेस्ट कराना है तो हमें अलग तरह का टेस्ट कराना होगा, जैसे विडाल टेस्ट बोलते हैं जिसको हम। मलेरियल फीवर का टेस्ट है वो अलग टेस्ट होता है। तो हर तरह के जो डिजीज के, और फीवर दोनों में हो रहा है, आप समझिए इस बात को, कि जो टाइफॉइड फीवर है वो भी एक फीवर का, उसमें भी सिम्टम फीवर ही है। मलेरिया हो रहा है, उसमें भी सिम्टम फीवर ही है, बट डिजीजेस दोनों अलग हैं। जो उसको कॉज करने वाले कॉजेटिव एजेंट्स हैं वो भी अलग हैं। साल्मोनेला टाइफी है तो टाइफाइड फीवर हो रहा है, प्लाज्मोडियम है तो वहाँ पे मलेरियल फीवर हो रहा है, काला आजार है तो लेशमैनिया है वहाँ पे उसका कॉजेटिव एजेंट। तो यानी कि हो तीनों ही केसेस में फीवर रहे हैं, बट वो सिर्फ एक सिम्टम है। उस तक पहुँचने के लिए, उस तक नैरो डाउन होने के लिए अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि अच्छा ये कारण है। जैसे कि प्लाज्मोडियम, हमने क्या बोला था? प्रोटोजोअन है। हमने बोला कि मलेरिया का जो फीवर है वो प्रोटोजोअन से हो रहा है। हमने बोला टाइफाइड जो फीवर हो रहा है वो बैक्टीरियल है। तो हम यही बात कर रहे हैं ना कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो फीवर हो रहे हैं वो डिफरेंट कॉजेटिव एजेंट्स की वजह से हो रहा है। तो यानी ये जो है ये एक डिजीज नहीं है, ये क्या है? सिम्टम है या एक सिंबल दे रहा है। तो इसको हम नैरो डाउन करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट के थ्रू। तो हम डिजीज के इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, यानी हमें कुछ ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जिसकी वजह से फीवर खत्म हो जाता है, हमारा हेडेक खत्म हो जाता है, यानी हमारा जो डिजीज का इफेक्ट था वो कम हो जा रहा है, ठीक है? यानी हमारा इम्यून सेल जो है वो काफी तेज एक्टिवेट हो रहा है। इम्यून सेल्स जब एक्टिवेट होते हैं, जब भी हमारा इम्यून सेल एक्टिवेट होगा, जब भी ये एक्टिवेट होगा तो ये एक्टिवेट करके क्या करेगा? बेसिकली वहां पे क्या करता है? इन्फ्लेमेशन कॉज करता है ना, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? मान लीजिए आपको कहीं चोट लगी है, वहां पर रेडनेस हो जाती है, हाथ कट गया है, वहां पे काफी स्वेलिंग और रेडनेस हो जाती है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो क्या होता है? वहां पे एक्टिवेट हो जाता है, वहां पे स्वेलिंग जो है वो एक उसका इफेक्ट है, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, है ना? तो ये जो इन्फ्लेमेशन है या ये जो फीवर है, ये जो हेडेक है, उसको जब खत्म करने के लिए हमें कुछ मेडिसिन मिलती है तो ये एक ट्रीटमेंट का पहला पार्ट हो गया कि हम डिजीज के इफेक्ट को ही रिड्यूस कर दें। लेकिन क्या डिजीज के इफेक्ट को रिड्यूस करने से हमारी डिजीज खत्म हो गई? नो। तो यानी हमारी डिजीज को खत्म करने के लिए हमें पूरी डिजीज को एलिमिनेट करना होगा। अब वो डिजीज कैसे एलिमिनेट होगी? जब हम उसका कॉजेटिव जो एजेंट है उसको बाहर निकाल दें। जैसे अगर कोई भी तरह का माइक्रोब है, अगर वायरस है, बैक्टीरिया है या पैथोजन है, जो भी है, तो हमें उनको बाहर निकालना होगा बॉडी से, उनको किल करना होगा, तभी हमारा डिजीज जो है वो पूरी तरीके से क्योर होगा, पूरी तरीके से ट्रीट होगा। तो फर्स्ट स्टेप तो ये है। सेकेंड स्टेप में अब जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो हम लोगों ने जैसे बात की थी कि हर ऑर्गेनिज्म जो होता है, हर एक माइक्रोब जो होता है उसका अपना एक तरीका है ना? हर माइक्रोब का
अपना एक तरह का डिजीज कॉज करने का तरीका है, या उसके डिवाइड करने का तरीका है, उसके लाइफस्टाइल का अपना एक तरीका है। जैसे हम बैक्टीरिया की जब बात कर रहे थे तो हमने क्या बात की थी कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपने चारों तरफ क्या करते हैं, सेल वॉल बना लेते हैं। ये हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था। तो अगर हम एंटीबायोटिक्स देंगे तो क्या होगा, एंटीबायोटिक्स के प्रेजेंस में ये सेल वॉल जो होगी, सेल वॉल की जो सिंथेसिस होती है, यानी इसके बनने की जो प्रक्रिया होती है, दैट सिंथेसिस प्रोसेस, वो क्या होगा, वो डिसरप्ट हो जाएगा। डिसरप्ट होने का मतलब हो गया कि वो सेल वॉल की सिंथेसिस को रोक देगा। जब सेल वॉल ही नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया क्या होगा, ये प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा, क्योंकि एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है सेल वॉल बॉडी में बैक्टीरिया के लिए। जब बॉडी के अंदर बैक्टीरिया, हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर बैक्टीरिया है तो उसको सेल वॉल चाहिए टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम आवर सराउंड आवर एनवायरनमेंट। तो उससे बचने के लिए ये सेल वॉल बना लेते हैं। तो वहां पे जब हम एंटीबायोटिक्स देते हैं तो वो सेल वॉल की सिंथेसिस को रोक देता है। जब सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं हो रही होती, बैक्टीरिया क्या होगा, वो प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा। वो जब प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा तो बैक्टीरिया क्या होगा, दे विल गेट फ्लश आउट ऑफ द बॉडी। तो अब अगर ये फ्लश आउट हो चुका है बॉडी से, इट मींस कि ये जो डिजीज है इसको आपने डिजीज को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, ये तो एक टाइप का एग्जांपल हो गया। अब अगर हम यही वायरस की बात करते हैं, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था, सबसे बेस्ट एग्जांपल अपना कोविड का। तो ये जो कोविड का जो वायरस है, हमने क्या बोला, कोविड 19 का जो वायरस है ये क्या कर रहा है, ये जो होते हैं ये आउटसाइड द बॉडी क्या होते हैं, ये वैसे पड़े होते हैं, ये एक डॉर्मेंट स्टेट है। डॉर्मेंट स्टेट का मतलब हो गया इस स्टेट में ये डिवाइड नहीं कर रहे हैं, डिविजन एब्सेंट है इनमें। लेकिन ये कब डिवाइड करेंगे, जैसे ही ये किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर जाएंगे, ये एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जैसे ही एंटर करेंगे, ये यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जाकर के ह्यूमन बॉडी के अंदर वायरसेस जो हैं वो अपना डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। और इनके डिवीजन स्टार्ट होने की वजह से क्या होता है, डिजीज जो होता है वो बहुत एग्रीवेट हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा होने लग जाता है, इन्फेक्शन बढ़ जाता है ना। तो अब अगर ऐसी सिचुएशन में हम इनको एंटीबायोटिक्स दे दें, कुछ फर्क नहीं पड़ना। क्यों, क्योंकि वायरस तो सेल वॉल बना ही नहीं रहे हैं। तो एंटीबायोटिक्स का तो मेजर काम ही यही है कि वो जाके सेल वॉल की सिंथेसिस को रोक दे। यहां जब सेल वॉल ही नहीं है तो वो रोकेगा किसको। तो यानी अगर हमें वायरस को एलिमिनेट करना है, वी नीड अ डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोच। हर तरह के वायरस के लिए हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि हर तरह के वायरस के लिए हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल क्यों नहीं है। क्योंकि वायरसेस होते हैं बहुत ज्यादा स्मार्ट। ये क्या करते हैं, इनकी जो बॉडी, इनकी जो कवरिंग होती है ना, इस पे ये डिफरेंट टाइप का प्रोटीन सिक्रीट करते हैं। क्या होता है, जैसे ये ह्यूमन वन में है मान लीजिए, तो ये प्रोटीन अलग तरह का रहेगा। ये 100, 50, 1000, 2 लाख लोगों में जाने के बाद ये क्या करता है, ये जो नेक्स्ट रेस ऑफ ह्यूमन में अगर गया, मान लीजिए से फॉर एग्जांपल H2 की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, मैं 1000 लाख नहीं बोल रही, या फिर H100 की बात कर लेते हैं, जब ये 100वें ह्यूमन में जाएगा ना, ये क्या करेगा, ये अपनी जो प्रोटीन की कवरिंग की लेयर है ना उसको ही चेंज कर देगा। यानी कि इसमें यहाँ पे कुछ डिफरेंस आ गया। ये मैं बहुत लेमैन लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ ताकि आपको सिर्फ ये समझ में आए कि वायरस के अगेंस्ट मेडिसिन बनाना इट्स नॉट दैट इजी। इस वजह से आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कोविड से इतना क्यों फाइट कर रहे हैं, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के अगेंस्ट क्यों नहीं मेडिसिन बन पाई हैं, क्योंकि ये बहुत स्मार्ट होते हैं। ये अब यहाँ जा करके क्या करते हैं, अपना जीनोम चेंज कर लेते हैं, यानी इनका सीक्वेंस अलग हो गया। आपने बनाई दवाई किसी और के लिए थी, ये जाके बदल गए। दैट्स वॉट वी आर कॉलिंग them as a mutant form, जो आप वायरस के लिए सुनते रहते हैं ना पूरे टाइम, कोविड के लिए म्यूटेंट फॉर्म है। तो ये जो म्यूटेशन बोलते हैं ना हम, म्यूटेंट फॉर्म, डबल म्यूटेंट, ये सब आप न्यूज में आजकल डेली ही सुन रहे हैं। तो इन टर्म्स का मतलब भी समझिए कि इसका मतलब क्या होता है, बिकॉज बींग अ बायोलॉजी स्टूडेंट यू मस्ट नो ऑल दीज सिंपल टर्म्स। तो ये जो म्यूटेंट फॉर्म होता है ना, यानी कि जो पहली कोटिंग कवरिंग थी वो ह्यूमन में जाते जाते, क्योंकि ये हमारे जीनोम हमारे अंदर जब एंटर करते हैं ना, वहां जाके ये डिवाइड करना शुरू करते हैं, यानी हमारी ही मशीनरी यूज कर रहे हैं, अपनी मशीनरी भी नहीं यूज करते, दे आर वेरी वेरी स्मार्ट। ये जो होते हैं ये बेचारे अपनी मशीनरी से सारा रेप्लिकेशन अपना, एक से दो, दो से चार अपनी मशीनरी से होते हैं। ये क्या करते हैं, जिसकी बॉडी में जाते हैं उसकी मशीनरी यूज करना शुरू कर देते हैं। इसलिए इनके लिए बहुत इजी होता है अपनी कवरिंग को चेंज करना। तो इसी वजह से वी आर फाइटिंग अगेंस्ट दिस डिजीज फॉर सो लॉन्ग एंड इट्स नॉट दैट इजी। ओके, तो ये हो गया हमारा ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल। सो
आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर रहा होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स एंड फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर हैंडल विद द सेम नेम, दैट इज एस पाठशाला. टिल देन ऑल द बेस्ट एंड स्टे सेफ, स्टे एट होम. बाय बाय.